दोस्तों, यदि आप इस समय एक बैटरी और एक इन्वर्टर परचेज करना चाह रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी बैटरी और कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए और कहां से परचेज करना चाहिए, क्या प्राइस रहेगा, क्या वारंटी रहेगी और किसकी कैसी सर्विस रहेगी, और भी बहुत कुछ बताने के लिए मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि आप बैटरी या इन्वर्टर परचेज कर रहे हैं तो ऑनलाइन बिल्कुल भी परचेज नहीं करना है, जिसके कई कारण है। यदि आप बैटरी या इन्वर्टर को ऑनलाइन जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट आदि प्लेटफॉर्म से परचेज करते हैं तो एक तो आपको कॉस्ट बहुत अधिक रहने वाली है, दूसरा पॉइंट आपको सर्विस में भी इश्यू रह सकता है। तो आप किसी भी कंपनी का, कितने भी एम्पियर का कोई भी बैटरी इन्वर्टर यदि परचेज कर रहे हैं तो अपने नजदीकी सेलर से ही परचेज करें। हाँ, इस बात की जानकारी अवश्य लें कि जिस सेलर से आप परचेज कर रहे हैं वह कंपनी का चैनल पार्टनर है या नहीं, और बैटरी या इन्वर्टर या दोनों को खरीदने के बाद सेलर से जीएसटी बिल जरूर प्राप्त करें। अब अगला बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि हमें कौन सी बैटरी या कौन सा इन्वर्टर परचेज करना चाहिए। आजकल इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी का भी क्रेज बढ़ता जा रहा है। वैसे तो हमारी कंपनी भी लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, कुछ दिन बाद हमारी कंपनी की भी लिथियम बैटरी आपको मिलने वाली है, लेकिन क्योंकि यह एक सामान्य वीडियो मैं बना रहा हूं, इस समय मैं आपको यही कहूंगा कि लिथियम बैटरी आपको महंगी पड़ेगी अपेक्षाकृत लेड एसिड ट्यूबलर बैटरी के, क्योंकि इस समय एक 5 ईयर वारंटी की यदि एक अच्छी लिथियम फॉस्फेट बैटरी आप परचेज करना चाहते हैं तो आपसे 20,000 से 25,000 के बीच पड़ने वाली है, और 5 साल के बाद उसकी रीसेल वैल्यू 0 रहेगी, यानी 5 साल में आपके 25,000 रुपए का खर्च होना है। जबकि एक लेड एसिड ट्यूबलर बैटरी जो कि आपको 12,500 रुपए की मिल जाएगी और 5 साल चलाने के बाद 4,000 रुपए की आपकी सेल भी हो जाती है, यानी एक लेड एसिड ट्यूबलर बैटरी के साथ आपका 8 से 8,500 रुपए खर्च होना है। लेड एसिड बैटरी या लिथियम बैटरी, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, उसमें पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कौन सी लेड एसिड ट्यूबलर बैटरी लेनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं और सभी कंपनियों के पास इन्वर्टर बैटरी के लिए बहुत सारे मॉडल होते हैं, लेकिन हम आपको टेस्टिंग के आधार पर जो अच्छे मॉडल हैं वही सजेस्ट करेंगे। यदि आप नॉर्मल रेट की एक अच्छी बैटरी इस समय परचेज करना चाहते हैं तो आप ल्यूमिनस की 18060 मॉडल परचेज करें, जिसकी इस समय कीमत आपको लगभग 13,000 रुपए के आसपास पड़ेगी और इस बैटरी की कंपनी की 3 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाती है। इसके बाद 150 AH में ही 3 ईयर वारंटी में ही आप एमरोन की बैटरी ले सकते हैं, जिसका प्राइस आपको 12,500 रुपए पड़ेगा, और या ल्यूगार्ड और ल्यूफास्ट की भी 150 AH 3 ईयर में बैटरी आप ले सकते हैं, जिनका प्राइस भी 12,500 रुपए ही आपको मिलेगा। इसके अलावा यदि बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक्साइड की IT500 मॉडल बैटरी ले सकते हैं, जिसकी 4 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी आपको मिलती है और जो 150 AH में है, लेकिन IT500 के अलावा बाकी मॉडल से आप बचने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि कंपनी बड़ी है तो उसके सभी मॉडल अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है। ल्यूमिनस हो, एक्साइड हो या कोई दूसरी कंपनी हो, कंपनियां सस्ते और महंगे कई प्रकार के मॉडल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, परंतु जो अच्छे मॉडल हैं वही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। और यदि आप एक सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं और आप एक सोलर की ही बैटरी परचेज करना चाह रहे हैं तब भी आपको ल्यूमिनस की 150 AH में 3 ईयर वारंटी में सोलर बैटरी लेनी चाहिए, अन्यथा मार्केट में बहुत सारे मॉडल हैं, बाकी से आप बचने की ही कोशिश करें। अब बात करते हैं कि इन्वर्टर कौन सा लेना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए पहले आपको अपना लोड देखना पड़ेगा। यदि आपका रनिंग लोड 300 वाट या उससे कम है तब आप सिंगल बैटरी का 1000 वाट तक का इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका रनिंग लोड
300-400 वाट से अधिक है, तब आपको दो बैटरी 24 वोल्ट में 1500 वाट के आसपास का इन्वर्टर परचेज करना चाहिए। और यदि आप नॉन सोलर इन्वर्टर लेना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में सोलर इन्वर्टर और नॉन सोलर इन्वर्टर दो प्रकार के इन्वर्टर आपको मिलेंगे, तो यदि आप नॉन सोलर इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो आप लुमिनस का कोई भी मॉडल ले सकते हैं, 700 वाट, 800 वाट, 1050 वाट या 1650 वाट। और यदि नॉन सोलर में एक अच्छा साइन वेव इन्वर्टर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप एमरोन का इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। एमरोन का सिंगल बैटरी में 880 वाट का इन्वर्टर आता है और 1050 वाट का भी आता है। और यदि आप एक सोलर इन्वर्टर परचेज करना चाह रहे हैं तो आपको लुमिनस, ल्यूगार्ड, ल्यूफास्ट या एमरोन से बचना चाहिए, तब आपको यूटीएल, स्मार्टन, एप्रो की तरफ जाना ही बेस्ट रहेगा। यानी 12 वोल्ट या 24 वोल्ट या 48 वोल्ट में यदि आप एक सोलर इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो यूटीएल का गामा प्लस ले सकते हैं, जो कि एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में आपको मिल जाएगा, और स्मार्टन का भी 1000 वाट में या 2500 वाट में या 3000 वाट में एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में इन्वर्टर आपको मिल जाएगा। और यदि आपके एरिया में अवेलेबिलिटी और सर्विस एप्रो की अच्छी है तो एप्रो का इन्वर्टर भी एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में अच्छा है, उसको भी आप ले सकते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि सोलर टेक्नोलॉजी और नॉन सोलर टेक्नोलॉजी में कंपनियां अलग अलग हैं। तो पहले आपको यह देखना है कि इन्वर्टर आपको सोलर इन्वर्टर लेना है या नॉन सोलर इन्वर्टर लेना है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूं कि यदि आप सोलर पैनल इस समय परचेज करना चाह रहे हैं तो इस समय सही रेट में और सही क्वालिटी में लूम सोलर मोनोपर्क पर आप जा सकते हैं, और वारी कंपनी भी मोनोपर्क में बहुत अच्छे पैनल इस समय मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो दोनों कंपनियों के सोलर पैनल आप परचेज कर सकते हैं, जिनके रेट भी इस समय 20 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको मिल जाता है। और दोस्तों यदि पहले से ही आपके पास बैटरी इन्वर्टर है और आप सोलर लगाकर अपने बिजली बिल को कम करना चाह रहे हैं और अपने इन्वर्टर को भी रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं, तो इस समस्या का समाधान भी बहुत जल्दी आपका होने वाला है। हमारी कंपनी का सोलर कंट्रोलर फॉर इन्वर्टर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो आपका पुराना इन्वर्टर ही एक सोलर इन्वर्टर की तरह वर्क करने लगेगा। और दोस्तों फिर से आपको यही कहूंगा कि बैटरी इन्वर्टर या सोलर को आप ऑनलाइन परचेज न करें, और बैटरी इन्वर्टर के अलावा दूसरे प्रोडक्ट जैसे कूलर, एसी, बीएलडीसी फैन, इंडक्शन कुकटॉप आदि प्रोडक्ट जो बहुत अच्छे मॉडल हैं, टिकाऊ हैं, ड्यूरेबल हैं, रेट में भी सही हैं, जिनको हमने यूज करके टेस्टिंग करके आपके लिए सेलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, तो यदि आप हमारे लिंक से उन प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो चैनल को आर्थिक मदद हो जाती है, जबकि आपका एक भी रुपया अतिरिक्त खर्च नहीं होता है। तो यदि आप अपने घर के लिए कोई भी प्रोडक्ट या होम अप्लायंस परचेज करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेकआउट जरूर करना। और बैटरी इन्वर्टर सोलर के संबंध में यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि मैं सभी कमेंट पढ़ता हूं और उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।